ललिता मैरोनी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम तेनका स्थित बजरा चौराहे पर एक सराफा व्यापारी के साथ दो मोटरसाइकिलों पर सवार चार नकाबपोश बदमाशों ने की लूटपाट और घायल अवस्था में सराफा व्यापारी को वहीं छोड़कर भागे। घायल सराफा व्यापारी को ललितपुर के जिला चिकित्सालय में कराया गया भर्ती। ललितपुर मैरोनी राजमार्ग स्थित ग्राम चिल्ला के पास एक बड़ा विशाल इमली का पेड़ बीच सड़क पर गिरने से अफरा तफरी मच गई। घटना में ईश्वर की इतनी कृपा रही कि कोई जनहानि नहीं और हादसे में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन वहां से आने जाने वाले वाहनों की लंबी लंबी कतारें जरूर देखने को मिली और सड़क के दोनों तरफ से जाम लगा था। घटना की सूचना मिलते प्रशासन द्वारा जेसीबी की मदद से 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सड़क पर पड़े पेड़ों को अलग कराया गया। अब जाकर जाम खुल पाया और वाहन निकलने लगे और लोगों ने राहत की सांस ली। ललितपुर जिले के तहसील पाली क्षेत्र के थाना बालाबेट अंतर्गत ग्राम मुराड़ी में एक युवक का शव पेड़ पर फांसी के फंदे पर झूलता मिला, तो वहीं मृतक युवक के परिजनों ने युवक की पीट पीट कर उसकी हत्या कर उसे पेड़ पर लटकाने का आरोप लगाया है। मामला बिगड़ता देख जिले के आला अधिकारी फिंगर एक्सपर्ट टीम के साथ कई थानों की पुलिस लेकर घटनास्थल पहुंचे और मृतक के परिजनों एवं गाँव वालों को निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए जैसे जैसे समझा बुझाकर शांत कराया और शव को फांसी के फंदे से उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेजा। सूत्रों एवं गांव वालों की दबी जुबान से हुई प्राप्त जानकारी के अनुसार मामला प्रेम प्रसंग का सुनने में आ रहा है, जिसको लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई है। ललितपुर जिले के थाना जखौरा अंतर्गत बासी कस्बे में जैन मंदिर निर्माण हेतु बाहर रखे मार्बल को कस्बे के ही कुछ नामचीन शराबी अराजक तत्वों ने तोड़फोड़ कर पहुंचाया नुकसान, जिसको लेकर जैन समाज में आक्रोश और रिपोर्टिंग चौक की बासी में दिया शिकायती पत्र और कस्बे में खुलेआम घूम रहे ऐसे अराजक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई। ललितपुर में ज्योतिष पीठ के परम पूज्य शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का 1 जुलाई शनिवार को होगा आगमन और वह शहर के श्री त्रिभुवन मंदिर में प्रवेश करेंगे। ललितपुर में जैम्बे रक्तदान सेवा समिति की सराहनीय पहल लगातार जारी है, उसी क्रम के चलते जैम्बे रक्तदान की ओर से होमगार्ड इमरत सिंह ने पहली बार किया रक्तदान। उन्होंने जिला अस्पताल में भर्ती एक जरूरतमंद गर्भवती महिला को अपना बी निगेटिव ब्लड डोनेट कर दिखाई मानवता। ललितपुर जिले के कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्य विकास अधिकारी अनिल कुमार पांडे की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें संचारी रोग नियंत्रण अभियान को सफल बनाने के संदर्भ में जिले की संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित हुई, जिसमें स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश भारती सहित सभी MOIC एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्य चिकित्सा अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। ललितपुर के मिशन हॉस्पिटल में ऑडियोमेट्री एवं टिप्पेनोमेट्री की सुविधा का शुभारंभ IMA अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जैन और डॉक्टर अमित तिवारी एवं डॉक्टर सौरभ सक्सेना ने किया। यहां पर टेक्निकल सुविधा के साथ साथ साउंड प्रूफ जांच के कमरे और विश्व स्तरीय टेक्नीशियन हमेशा उपलब्ध हैं। यहाँ बुंदेलखंड के लोगों को बहरेपन की जांच और सुनने की मशीन रियायती दरों पर हमेशा उपलब्ध रहेगी। साथ ही बहरेपन से ग्रसित बच्चों की भी जांच यहाँ होगी। यहाँ पर अमेरिका से आकर भारत में अपनी सेवाएं दे रहे डेनियल हिनरिक्स इसकी जांचें करेंगे। मिशन हॉस्पिटल में सक्रिय डॉक्टर थॉमस अपना यहाँ भरपूर योगदान दे रहे हैं। ललितपुर जिले के कस्बाबासी स्थित सिंगई फ्यूलिंग स्टेशन पर विगत कई वर्षों से पेट्रोल एवं डीजल की घटतौली शिकायतें क्षेत्र के लोगों से लगातार मिल रही थी। हतो जब हो गई जब पेट्रोल और डीजल में आधा पानी मिला हुआ लोगों को मिलने लगा, जिससे लोगों के वाहन खराब होने लगे, जिसकी शिकायत कई बार उच्च अधिकारियों से की गई, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि जब तक वह पेट्रोल पंप पर मौजूद कर्मचारियों से इसकी शिकायत करते हैं तो उन्हें जवाब उल्टा मिलता है और पेट्रोल पंप के कर्मचारी कहते हैं कि आप कहीं पर भी शिकायत कर लो, हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। हमारा मैरोनी वाला सेठ सभी अधिकारियों को अपनी चेन पानी क्यों दे रहे हैं? पानी बेच रहे हैं इसमें क्या पानी भर लो भर लो। अच्छा पानी ऐसे बढ़ता है क्यों चाचा?